महान भाव ऐसे ही जीवन के तीन हिस्से कर लो, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। सबसे अच्छा बचपन खिलकारियां करते हुए गुजरता है, खुद भी आनंद में रहते हैं और दूसरे को भी आनंद देते हैं। एक अच्छा मुस्कुराता हुआ बालक, अच्छा गोरा चिट्ठा लड्डू जैसा गोल यदि तुम्हारे सामने आ जाए तो सबके चेहरे पर स्वतः ही मुस्कुराहट आ जाती है, कितना सुंदर बालक है। बचपन खुद को भी प्रसन्न रखता है और दूसरे को भी प्रसन्न रखने में सहायता करता है। जवानी, कब रात निकल गई कब दिन निकल गया मालूम नहीं चलता, और जैसे ही बुढ़ापा आता है सब कुछ मालूम चलने लगता है। कभी रात में जब 2 बजे नींद खुल जाती है तो सुबह ऐसे लगता है कब सूर्योदय हो, ये भगवान ये रात तो लंबी सी लग रही है, बरसों जैसी रात लग रही है, और कब जब सूर्योदय होता है तो कब लगता है कि संध्याकालीन वेला हो जाए तो थोड़ा सा आराम कर ले। बुढ़ापे में न दिन में चैन न रात में चैन। महान भाव ये तीन अवस्थाएं जीवन की जो है, वो तीनों अवस्थाएं संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन में आती हैं, चाहे वो कैसे भी हो। बचपन माता पिता की उंगली पकड़ के निकल जाता है, माता पिता के पास जो कुछ भी होता है सब कुछ उस अपने बालक के ऊपर निछावर कर देता है, करता कि नहीं। जवानी आती है वो बेटा माता पिता से मुंह फेर लेता है, उनको बुढ़ापे के लिए छोड़ देता है। बुढ़ापा जिसका उसे सहारा बनना था वो सहारा ना बन के उसी से उसे धक्का खाना पड़ता है। व्यक्ति सोचता नहीं कि आज जिस अवस्था में उसके माता पिता हैं कल उसकी भी अवस्था आने वाली है। यदि अपने माता पिता में अपना भविष्य देखने लगे व्यक्ति तो कभी परेशान हो नहीं सकता। भूत के बारे में सोच ले कि उनने हमारे लिए क्या किया है, तो जो वो जवानी जो बीच का हिस्सा है उस जवानी में जोश में जो व्यक्ति रहता है उस जवानी के जोश में ना रहे पूरे होश में भी रहे, लेकिन जब वो 25 से 50 साल के बीच की उम्र होती है तो उस उम्र में व्यक्ति सोचता नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचता कि हमें क्या करना है। पंडित दौलत राम जी ने भी कह दिया तरुण समय तरुण नीरत रहो। माता पिता ने जैसे शादी कर दी वो 4 दिन की पत्नी वो 25 साल के माता पिता को बुला देती है कि इतने 25 साल में मेरे लिए क्या किया। अंत में उन्हें कहने के लिए सुनने के लिए मिलता है तुमने हमारे लिए क्या किया, एक सब देवी पेटेंट है लगभग लगभग, तुमने हमारे लिए आखिर किया क्या, उनको देखो उनने हमारे लिए क्या किया। हमेशा दूसरे का उदाहरण देते हैं, दूसरे के माता पिता हमें वृद्ध दिखाई देते हैं उनके लिए हम दान करते हैं पुण्य करते हैं उनके लिए निमंत्रण देते हैं भैया तुम भोजन कर लो, और अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाते हैं। दूसरे के माता पिता वृद्ध नहीं लगते, पिलाने से ये होता है कि समाज में नाम होता है भैया बड़ा परोपकारी है, और अपने माता पिता को खिलाने से नाम कटती है, भ्रमण करता है। ये जीव उन गतियों में उन कुलों में उन जातियों में निरंतर भ्रमण करता है, करता आ रहा है, लेकिन करता रहेगा ऐसा नियम नहीं। अनादिकाल से जिस संसार में भ्रमण कर रहा था वह नियामक था, कर रहा था। वर्तमान में जो कर रहे हैं वो नियामक है, कर रहे हैं, लेकिन वो करते ही रहेंगे, ये नियामक नहीं है, ये निश्चित नहीं है। वह संसार में भ्रमण करने वाला जीव अपने भाग्य का परीक्षण करता है, लेकिन अपने पुरुषार्थ का निर्माण करकर उस पुरुषार्थ के माध्यम से अपने भाग्य को निश्चित करता है, और उस पुरुषार्थ के बल पर
वह अपने संसार चक्र को विराम भी दे देता है, अपने उस वाक्य को जिसमें बहुत सारे अल्प विराम थे उसमें एक दिन पूर्ण विराम लगा लेता है। महानुभाव, वह जीव जब नरक के दुखों को भोगता है, वह जीव जब तिर्यंच गति के भोगों को भोगता है, तो एक समय आता है कभी उसको मनुष्य और देव गति भी लाभ प्राप्त होता है। पहले उनकी पंक्तियों को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उस पर चर्चा करते हैं। सुरगति में पर संपत्ति देके राग उदय दुख होई, मानुष योनि अनेक विपत्ति में सर्व सुखी नहीं कोई। उस त्रियंच ने जैसे तैसे पुरुषार्थ करके उस देव गति में जन्म ले लिया। सोचा कि देव सबसे अच्छी गति है, देवों में सुख ही सुख है, इसलिए उसने भावना भाई निदान किया और देव गति में जाकर जन्म ले लिया। किसने किसने? ओहो, कब तक दूसरे का नाम लेते हैं, अपना नाम लो। हमने उस देव गति में जन्म ले लिया और हम देव गति में जन्म लेते ही उत्पाद शैया पर जन्म लेते ही मात्र अंतर मुहूर्त में 16 साल जैसे जवान हो गए, सुंदर तन मिल गया, सौ बहुत वैभव मिला, भोगने को देवियां मिल गई, सुंदर महल विमान मिल गया, सर्व संपन्न सर्व अंग सुंदर आभूषण वस्त्र जो चाहे जैसा चाहे मिल जाता है, वह भी सब हमें मिल गया। लेकिन कुछ ही समय बीता कि दृष्टि गई दूसरे पर, हमसे बड़े देवों पर, हमसे शक्तिशाली देवों पर, हमसे रिद्धि संपन्न देवों पर, हमारा सुख सब गिरगिरा हो गया। मानो किसी ने खीर में धूल मिला दी हो, वह खाने में आनंद ही नहीं रहा। अभी तो बहुत आनंद आ रहा था, बड़े खुश हो रहे थे, हमने अंतर मुहूर्त में सुंदर शरीर प्राप्त कर लिया, चमकता हुआ दमकता हुआ वह देह चमड़, उसी चमड़ी को हमने बड़ा आनंद से देख रहे थे। लेकिन तत्काल ही जैसे ही हमसे शक्तिशाली देव हमारे सामने आके खड़े हुए, जैसे ही उन्होंने आज्ञा दी, हमारा सारा सुख तत्काल ही दुख में परिवर्तित हो गया। कहो, वह सामग्री जो तुम्हारे लिए सुख का कारण थी, दुख का कारण क्यों बन गई? वही वस्तु जो तुम्हारे लिए मांग मांग कर मिली, अब वह दुख का कारण क्यों हो गई? क्योंकि तुम्हारा मोह जो उस वस्तु के प्रति था, उससे कहीं